शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता ने बताया कि चाहे वह मॉडल संस्कृति स्कूल हो या अन्य सरकारी स्कूल हो, शिक्षा को हरियाणा में और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री का हमेशा प्रयास रहता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा अपने पिछले कार्यकाल में भी करनाल के बांसो गेट स्थित स्कूल में अनेकों कार्य किए गए हैं। उसी कड़ी के चलते आज स्कूल में फ्लोरिंग के कार्य का शुभारंभ किया गया है, जिस पर लगभग 10 लाख के करीब खर्च आएगा। यहाँ पर बच्चों को बैठने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, उसी को देखते हुए यहाँ पर फ्लोरिंग के कार्य को तेज गति से किया जाएगा। इसके अलावा मेयर रेणुबाला गुप्ता द्वारा आनंद विहार कॉलोनी में सड़क निर्माण कार्य का भी शुभारंभ किया गया। इस मौके पर उनके साथ वार्ड की पार्षद रजनी प्रोचा भी मौजूद रही। गौरतलब है कि नगर निगम द्वारा करनाल को स्मार्ट सिटी बनाने के उद्देश्य से विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में सड़क निर्माण कार्य, सिवरेज का कार्य व स्कूलों में फ्लोरिंग का कार्य तेजी से किया जा रहा है। मेयर रेणुबाला गुप्ता ने वहां के लोगों से आह्वान किया कि वह समय समय पर शहर में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेते रहे, ताकि कार्य की गुणवत्ता बनी रहे और जो विकास कार्य शहर में हो रहे हैं वह लंबे समय तक चले। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी समाज की मुख्य धारा से जुड़कर अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सके, उसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि निगम पार्षद जहां भी कार्य करवाना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के अंतर्गत वहां पर कार्य करवाए जाएंगे। इस मौके पर नगर निगम के अधिकारी, बड़ी संख्या में वार्ड के निवासी व शहर के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने बहुत सारे ऐसे प्रयास किए, चाहे वो मॉडल संस्कृति स्कूल है, चाहे स्कूलों का विकास है। और आज हमारे शहर में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमने बांसो गेट के स्कूल में विशेष तौर पे यहाँ पर बच्चों के लिए काफ़ी सारा काम हमने पिछले प्लान में भी किया है। उसके अलावा अभी बैठने के लिए बच्चों की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, उनको बड़ी दिक्कत होती थी, तो फ्लोरिंग का यहाँ पर काम शुरू हुआ है जो कि लगभग 10 लाख रुपए का है। और स्कूल की बहुत अच्छी व्यवस्था हो, बच्चों को अच्छे से शिक्षा मिले, इसके लिए भाई हमारे पार्षद भाई ने, मित्तु सैनी ने बहुत बार हमें कहा और यहाँ के बच्चों की डिमांड थी कि बेहतर व्यवस्था हो। इसके लिए जो भी स्कूल में बेहतर व्यवस्था होगी उसके लिए हम करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। हमारे शहर के हमने बहुत सारे स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाया है, हम चाहते हैं कि हर स्कूल में वो व्यवस्था दे सके जिसमें कि एक बच्चा शिक्षा ग्रहण करके आगे अपने जीवन को आगे बहुत अच्छे आधार के साथ जी सके। हमारा प्रयास रहेगा, हमारा और हमारे पार्षद भाइयों का, कि कहीं भी इस तरह की व्यवस्था देनी होगी हम डिस्ट्रिक्ट प्लान के तहत देंगे। गली के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। आज हमारे आनंद विहार कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे जो सड़क थी वो काफी टाइम से टूटी हुई थी और बस आज उसका निर्माण कार्य शुरू हुआ है। कितनी लागत आएगी, हम कब तक अपने कर तैयार होंगे? ये हमारी 37 लाख की इसकी लागत है, इतना बजट हमारा बना है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.